तो भैया पहली बार हमारे उसमें आएगा ना ड्रोन शॉट भाई। बिल्कुल आएगा हाँ, हमारे ब्लॉग में पहली बार ड्रोन शॉट आएगा। तो देखो यहाँ से एक और नज़ारा खूबसूरत। तो आज हमको अगर बाघ दिखता है या नहीं दिखता है, पिछले बार हमको बाघ दिखा था लेकिन मैं उसको मतलब हमने अपनी आंखों से देख लिया, दूरबीन से देख लिया, लेकिन मैं आपको वैसे नहीं दिखा पाया। आज हमारे पास हाँ, सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो अगर आज हमको बाघ दिखता है तो हमारे पास यह है, देखो ये फोटो टेलीफोटो वाला है 150-600 mm। इसमें बाघ का वीडियो भी सही बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा। फिलहाल हम लोग अपने गांव में हैं और वो उधर जा रहे हैं सामने, वो उधर पहाड़ है ना, उधर उधर जाके हम पैदल चल के जा रहे हैं। करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा और अभी शाम का टाइम है और अभी क्या होता है बाघ बाहर निकलेगा और तो बाघ अभी निकलेगा तो तब जाके हम लोग मतलब बाघ निकलेगा तो हम लोग उसे स्पॉट कर पाएंगे। तो फिलहाल यह है टारगेट कि बाघ देखना देखना। तो साथ में भाई और नीतू और निहारिका, कुछ चिल्लर पार्टी शायद कोशिश कर रही है, मम्मी से पूछने की है अगर आ जाएंगे तो ठीक है। थोड़ा क्या है कि पीछे सन मेरे पीछे है तो मैं चल रहा ब्लैक है। देखो ये आ गया लाइका, ये आ गया लाइका, लाइका लाइका पुल्लू पुल्लू लाइका। चलो मम्मी जाओ, चलो 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 लाइका। तो हम लोग ना घने जंगल में आ गए। देखो अब ये एरिया जो स्टार्ट हो गया वो पूरा बाघ का एरिया स्टार्ट हो गया। ये चिल्लर पार्टी भी आ गई है, देखो नाम बताओ। मेरा कुमकुम प्रियांशी। हाँ तो ये चिल्लर पार्टी भी आ गए हैं दो, वुड पिकर है सामने उस वाले पेड़ पे बैठा है। तो इधर वुड पिकर हमको मिल गया तो कुछ दो पर बर्ड फोटोग्राफी भी करेंगे साथ साथ में, बाढ़ की सेटिंग कर ली है। मेन स्पॉट उसका सामने वाला है, हम लोग को जाना है उस वाले टॉप तक, वहाँ से थोड़ा व्यू है, अच्छे अच्छी फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। अगर आज बाघ दिख गया तो आज उसका वीडियो वो साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं दिखा तो किस्मत की बात है। लोग कावेट और तीन सवारी करते हैं, हमारे गाँव में तो ऐसे ही दिख जाता है आराम से। देखो निहारिका को मिल गया उसका प्रिय आहार हिसालू, हिसालू खाने स्टार्ट कर दिए। देखिए बहुत मीठा हो रहा है, बहुत मीठा हो रहा है। दिखा खट्टा था, मेरा तो बहुत मीठा था। तुमने कोई दूसरा निकाला? हाँ मीठा तो है, क्या बोले इतना मीठा। अभी तो मैं मीठे वाले खिलाऊंगा, रुक जाओ और इससे बड़े वाले। तो सामने वाला जो पत्थर देख रहे हैं ना उसे बोलते हैं जति डूंग, उस पत्थर को हम तो क्या है बोलते, कोई राक्षस था जिसको भीम ने मारा था तो उसका वो पेट है ऐसा मतलब गांव वाले बोलते हैं। और यहाँ जो उसके मतलब इस पत्थर की तरह और जो पत्थर हैं मतलब आसपास सारे वही पत्थर है, तो कोई नाखून है कोई उंगली है ऐसे मतलब उस राक्षस के भीम ने टुकड़े करके फेंके हुए थे पूरे एरिया में, तो ये सब कुछ है। तो ये हाँ तो इसके नीचे पाताल लोक को रास्ता आता है ऐसा बोलते हैं। ये पत्थर हम बचपन से देखते आ रहे हैं बहुत साल से, मतलब इसी पोजीशन में ऐसे ही टिका हुआ है ये, यहाँ से नीचे से ऊपर से मतलब छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे से आप देखोगे ना तो काफ़ी बड़ा है, और जितना ये ऊपर है उसका 4 गुना है ज़मीन के अंदर धसा हुआ है। तो ये पूरी टेरिटरी उसी बाघ की है, पिछले बार हमने स्पॉट किया था उसको। तो आप देख रहे हो ना ये जंगल है पूरा चीड़ का, पूरा जंगल चीड़ का है। तो इस जंगल में ना इसके फायदे भी बहुत हैं नुकसान भी बहुत हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि पूरे जंगल में आग लग जाती है। और ये वाला पेड़ देखो, इस पेड़ ये पेड़ इतना छोटा है और उसमें फल कितने सारे लगे हुए हैं चीड़ के, जो चीड़ के फल होते हैं ना लोग उसमें कलर करते हैं और कलर करके उसे मतलब डेकोरेशन में यूज करते हैं। तो फिलहाल ये पूरी टेरिटरी है, हम लोग पहले टॉप पर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करेंगे, जब वापस आएंगे नीचे ना तब बाघ देखने का मतलब थोड़ा हमको मौका मिल सकता है। तो फिलहाल हम थोड़ा अंधेरा होने का वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे टॉप से बाघ को, अगर कहीं दिखेगा तो फिर वहीं से, क्योंकि हम पे टैली
फोटो है ना, टेलीफोटो हमारे पास है तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से उसे अच्छे ऊपर से बैठे बैठे। तो ऐसी कोशिश तो है देखने की किसके साथ फ़ोन आ रहा है। देखो होगी हालत खराब, पतली होगी हालत नहीं हुई पतली। मुंह खोलो कैसा लगा ट्रैक करके पहाड़ों में? अच्छा लगा। तुमको मज़ा आ रहा है ना? तो हमको तो बहुत मज़ा आता है, मेरे को काफ़ी मज़ा आता है पहाड़ों में। ज़िंदगी काटना बहुत सौभाग्य की बात होती है भाई। तो हम जा रहे टॉप पे अब, क्योंकि वापस आएंगे ना, अभी वापस आएंगे तो टाइगर स्पॉट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होते हुए निकलेगा गांव की ओर बढ़ता है, यानी कि कुत्ते वगैरह और शाम को, क्योंकि और जानवर भी सूअर वगैरह निकलते हैं तो उनको खाने के लिए शाम को निकलता है। तो देखो उधर सनसेट होने वाला है, बहुत अच्छा नज़ारा देख रहा सनसेट का। ये वो नीचे पूरा मेरा गांव नीचे दिखाई दे रहा है। हम लोग वो उधर थे कुछ देर पहले, वहाँ से चलते 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 ऐसे चलते चलते इधर आ गए। इस बार आग बहुत तगड़ी लगी थी। ये देखो आग लगने की वजह से भी जंगल के जानवर दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अपनी टहटही छोड़ देते ना, पूरा जंगल को जला हुआ है। ये सब जो जला हुआ है अभी बारिश की वजह से, इसमें नई घास आई हुई है। तो एक क्योंकि आज हमको यहाँ बर्फ से दिखाई दे रही ना बिल्कुल भी, बर्फ नहीं दिखने का कारण यही है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जानवरों को इलाका छोड़ना पड़ा है आग लगने की वजह से। थक गए बच्चों? अंधेरे में देखो कितना, इधर को अंधेरा लग रहा है, व्यू कितना ज़्यादा लग रहा है, थक गया लग रहा है। चलो 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 फिर चलो आओ। वो देखो उन्होंने वहाँ पे देखो कितनी मेहनत से गाय पाल रखी हैं, पॉली हाउस बना रखे हैं ना, यहाँ पर रोड है और रोड यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर नीचे, लेकिन जो यहाँ पर लोग रहते हैं ना वो काफ़ी मेहनती हैं। देखो कितना प्यारा उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो देखो हम लोग आ गए पीछे साइड में, ए यहाँ पे क्या नज़ारा है, वाह मज़ा आ रहा है बच्चों हैं? क्या लग रहा है, क्या नहीं आ रही का है? नीतू तुमको कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा, देखो बहुत अच्छा। दादा तू भी पहली बार आया होगा ना यहाँ, तेरी हालत देख के लग रहा है। हाँ जंगल था, मैं भी आज दूसरी तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ से एक और नज़ारा खूबसूरत, वो उधर सामने दिख रहा है पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके दोनों ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं, उधर वाला भी उधर वाला भी। ये पूरा दोहाट का कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, जहाँ से मेरा भाई पढ़ा हुआ है। अपना कॉलेज यहाँ से देख के मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा टिक उसके पीछे मेरा पॉलिटेक्निक है जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो वो सामने है रानी खेत, साथ साथ में वो उधर है ये शीतला खेत सामने वाला, वहाँ पर मछखाली है, और वो उधर है सामने अल्मोड़ा, और वो उधर पे है कौसानी। तो मतलब यहाँ से इस यहाँ से चारों ओर का नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत, आप देख सकते हो। यहाँ पर फोटो सेशन स्टार्ट हो गया, देख रहे हो तुम? भाई ने अपने प्रोफेशनल सारे कैमरे निकाल लिए और फ़ोटो खींच रहा है। काफ़ी चिड़ियाओं की बड़ी अच्छी आवाज़ है, चारों ओर का व्यू का नज़ारा देखोगे ना आप तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो 360 डिग्री है पूरा। काफ़ी मतलब मज़ा आया, इतने बाघ आग तो मतलब अभी दिखाई नहीं फिलहाल, और हमने काफ़ी की है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी करते करते कुछ लोग आवाज़ देने लग गए, आवाज़ देने लगे तो आवाज़ परिचित नज़र आई कि यार आवाज़ सुनी लग रही है। तभी मोबाइल की घंटी बजी, साथ में मोबाइल की घंटी बजी, तो हमने देखा कि जिस बंदे का फ़ोन आ रहा है वो तो जान का है। तो उसने बोला भैया सामने वाले पहाड़ पर हम भी खड़े हैं आप ही के गाँव में, तो आपको उनसे मिलाता हूँ। और भी हमको मिलेगा यहाँ का एरियल व्यू में, ये हम तो भूल ही गए थे भाई क्या ड्रोन है यार। तो देखो हम जिससे मिलने आए थे वो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों, फिलहाल मिलाता हूँ।
लखनऊ से आए, बुढ़ा गई हो यार। बुढ़ा तो नहीं है लटंडा, वो भाग के रखा हुआ। इससे क्या होगा भाग का? जो भी है थोड़ा अपने तो बचेंगे यार हम लोग। ये तो खाली कहने की बात है कि जैसा नजारा। तो भैया पहली बार हमारे उसमें आएगा ना ड्रोन शॉट भाई? बिल्कुल आएगा। हाँ हमारे ब्लॉग में पहली बार ड्रोन शॉट आएगा। तो ये शैलेंद्र जो मैंने कहा था दूर से आवाज पहचानने में आ रही है, शैलेंद्र और ये दीपांशु। शैलेंद्र भाई साहब यूट्यूब से दहरी गाँव हाट के मतलब चाचरी धार में खड़े हुए हैं अभी हैं। और दीपांशु तो क्या है भोरा गाँव का है, ये तो भोरा गाँव का है। तो मैं अपने गाँव से उस साइड से चढ़ के आया हूँ और दीपांशु अपने गाँव से वहाँ से चढ़ के आ रखा है। तो शैलेंद्र को यहाँ पहुँचा रखा है इन्होंने सिर्फ यहाँ का वो एरिया व्यू लेने के लिए। तो हो गया अभी घूप अंधेरा बिल्कुल, और अंधेरे में हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अभी क्या है बाघ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये निहारीगा ना सुबह से बोल का बाघ नहीं दिखा, बाघ नहीं दिखा। तो पानी पी जाएगा। हाँ तो देखो ट्रैक इनके लिए हो गया है बहुत दोभर वाला है, खतरनाक ही हो तुम तो। आज ठीक है भाई, तो मैं जूते दे रखे हैं खरीद के। हाँ बात कौन सुनेगा मेरी। लेकिन देखो अंधेरा कितना हो गया ना, अंधेरा इतना रहा होगा कि अब तो बाघ को देखना मतलब आप सोचोगे बाघ कहाँ दिखेगा। अभी हमको रास्ता नहीं गया, बाघ तो दूर दूर तक कहाँ दिखेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आज तो दोनों शॉट भी है, तो वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पहली बार अगर आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।